पेज टूल के बाद हमारा लेसो टूल है, एल जिसकी शॉर्टकट की है। लेसो टूल को समझने के लिए हम कुछ शेप्स अपने वर्किंग एरिया में बना लेते हैं। हम सर्कल्स ही बना लेते हैं, तीन सर्कल्स हमने, तीन लिफ्ट साइज के सर्कल्स हमने बना लिए। लेसो टूल जैसा कि हम फोटोशॉप में देख चुके हैं, ये सिलेक्शन लेने के लिए होता है किसी एरिया की, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि लेसो टूल को डबल क्लिक करने से हमारे पास कॉन्टेक्ट सेंसिटिव की ऑप्शन है। ये इसको चेक हुई भी है, इसको हम अनचेक करके ओके कर देते, फिर हम देखते हैं कि अभी हमें क्या इफेक्ट इसका आता है। लेसो टूल, आप देखिए कि लेसो टूल से मैंने सिलेक्शन ली सर्कल की, सर्कल सेलेक्ट हो गया। लेकिन अभी देखिए कि दोबारा से लेसो टूल से मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ इस सर्कल की भी और अगले सर्कल की भी, लेकिन अगले सर्कल को मैं पूरा कंप्लीट कवर नहीं करता बल्कि आधे रास्ते से वापस आके रिलीज़ कर देता हूँ। तो आप देखिए कि फिर भी एक ही सर्कल की इसने सिलेक्शन ली है, लेसो टूल सिलेक्शन लेने के लिए, लेकिन आप देखें कि एक ही सर्कल की इसने सिलेक्शन ली है। जबकि इसको डबल क्लिक करके कॉन्टेक्ट सेंसिटिव को अगर मैं चेक करके ओके कर दूँ और दोबारा से सिलेक्शन लूँ उसी तरीके से, यानी एक सर्कल पूरा मेरी सिलेक्शन में आ रहा है और दूसरे सर्कल को सिर्फ मैं टच करके वापस आ जाता हूँ, तो आप देखिए कि इसने दूसरे सर्कल की भी सिलेक्शन ले ली है। इसी तरीके से अगर मैं किसी भी सर्कल को कम्प्लीटली अपनी सिलेक्शन में ना लूँ, सिर्फ इनको टच करता हुआ गुजर जाऊँ, आप देखिए कि फिर भी ये, क्योंकि कॉन्टेक्ट सेंसिटिव है तो जिस चीज़ को भी ये टच करेगा। ये ऑप्शन हमने देखी थी 3D स्टूडियो मैक्स के कोर्स में, जहाँ हमने विंडो और क्रॉसिंग का टूल जो हमें अपने हॉरिजॉन्टल टूल बार के अंदर दस्तयाब था, उसके अंदर हमने देखा था कि विंडो और क्रॉसिंग में, यानी विंडो था कि जब हमारी विंडो के अंदर कोई कंप्लीट ऑब्जेक्ट आता था, और क्रॉसिंग पे यह था कि अगर वो उसको क्रॉस भी करेगा, कहीं टच भी करेगा, तो इसकी सिलेक्शन ले लेगा। तो ये हमारा लेसो टूल है। अब देखिए कि अगर मैं सिर्फ टच कर दूँ कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी हमारा ये जो इमेज है, इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इस पर लिखी हुई है, या सर्कल्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मेरी सिलेक्शन के अंदर मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये चारों आप देख रहे हैं कि इस इमेज के भी चारों नोड्स अपीयर हो गए हैं और सर्कल्स के भी नोड्स अपीयर हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि सारे लेसो ने सेलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि इस वक्त ये कॉन्टैक्ट सेंसिटिव मोड के ऊपर है। इसको अनचेक कर दें तो फिर ये सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेगा कि जो कि कम्प्लीटली इसके अंदर मौजूद होगा। अभी देख रहे हैं कि अभी भी दोनों कम्प्लीटली मौजूद नहीं है, तो किसी की सिलेक्शन इसने नहीं ली। अब ये कम्प्लीटली नहीं है लेकिन ये दूसरा सर्कल कम्प्लीट है, तो इसलिए इसकी सिलेक्शन ये ले लेगा। तो ये हमारा लेसो टूल था।